गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। मास्टर गौरी शंकर जी जिंदाबाद। आवाज दो अमेरिका। आवाज दो अमेरिका। आवाज दो अमेरिका। हमने कहा उसको पोल करना है, पता भी है हमें, हमें ऐसी बोट का भी पता है कि ये कहाँ जाना है, लेकिन गुमराह अगर है, गुमराह हमारा बोट है। और हमें इतना इतना खिलौना बनाया जा रहा है। गौरी शक्कर, गौरी शक्कर, गौरी शक्कर, गौरी शक्कर, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब। जिसकी भी प्रॉपर्टी है वो उसका हकदार है, किसी का एहसान नहीं है एक दूसरे पे। सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी का हकदार है। जितना मेरा देश है उतना ही आपका भी, सबका देश। तो जब सबका है, सबको इकट्ठे रहना है, एक इलाका में एक देश में ही रहना है, तो हमारे देश की खूबसूरती ही यही है कि सब जातियां सब मजहब जो है वो एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ रहे। एक मंदिर से निकल रहा है, एक मस्जिद से निकल रहा है, एक गुरुद्वारा से निकल रहा है, तीनों भाई अगर सामने चौक पे गले लग रहे हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। और इस खूबसूरती के साथ रहना पड़ेगा। अगर इसको इसमें दराल डालने की कोशिश करेंगे, जहर पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक तबाही का रास्ता बना रहे। ऐसा वक्त आएगा कि बच्चे ही बच्चे को काट के खाएंगे, अगर जहर पैदा किया गया तो। ये सच्चाई है। मेरे आंसू आज गिर गए जब मैंने बच्चियों को इधर से पैदल चलते देखा। मैंने जब उनसे पूछा कि आपको कितना दूर जाना है, बोली आप आते हो और हम आपको ये यकीन देंगे कि जो एजुकेशन का सेक्टर यहाँ बिगड़ चुका है और जो यहाँ के ऑफिसर आपकी सहूलियत के लिए सरकार ने यहाँ तैनात किए थे, उन्होंने अपने डेरे जो यहाँ से उठा के बलवर में लगाए हुए हैं, और आप उन जितनी भी आपकी सहूलियत जो आपको होनी चाहिए थी आप उनसे महरूम हैं। आपकी सड़कों की हालत देखिए, 40 साल से जो आपकी सड़क बन रही है लेकिन इस वक्त तक नामुकम्मल है, और इस कदर पैसे इस सड़क पर निकाले गए हैं कि अगर वो नोट इन खड्डों में डाले जाते तो ये खड्डे सारे बंद हो जाते। इसको बेकार समझते हैं, वाइफ भी बेकार समझती है, और लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए भी जॉब नहीं। उन्होंने अब भैंसे का गोबर तो उठाया नहीं है, चरखा तो काटा नहीं है, उन्होंने भी पढ़ा था इसलिए कि हमें जॉब मिलेगी। माँ बाप का ख्वाब था ये क्या होगा, बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे को हमारी जॉब मिलेगी। बच्चे का ख्वाब था, उसको पता था कि मेरे माँ बाप पैसा कहाँ से ला रहे हैं, उसको ख्वाब था कि नौकरी मिलेगी, वो भी खत्म, नौकरी भी खत्म। डेली वेजर हमारे स्टेट में ही डेली पर रिटायर होते हैं, जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं होता डेली वेजर डेली पर रिटायर, तो यहाँ डेली पर रिटायर हो रहे हैं डेली वेजर। क्या ये आवाज नहीं है? हम तो फोन कर देते हैं पानी नहीं है जी, अगर जेई ने नहीं लगाया तो चलो उसको वर्कर ने नहीं लगाया जेई को कर देंगे, जेई ऊपर से जैसे खड़पा आ जाएगा उसके ऊपर। डेली वेजर उसकी तनख्वाह कितनी है और वो डेली पे रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के समय डेली वेजर ही 50-50 रुपया, परमानेंट मुलाजम उनको पैसा नहीं देता, 50-50 रुपया इकट्ठा करते एक पतीला खरीद के दे देते हैं। वो पीछे देखता है कि मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए घर में खाना खिलाने के लिए मेरे पास है कि नहीं है, किस दुकान से उधार खींचू, वो भी गए डेली वेजर भी गए। एसपीओ की हालत देखिए, मैंने एसपीओ की हालत, मैं कठुआ में जाता था एसी गाड़ी में होता था, थोड़ा सा शीशा डाउन करता था क्योंकि बाहर से गर्म लू आ रही होती थी, तो मैंने एसपीओ भाइयों को ड्यूटी देते हुए देखा है, वहां चौक पे खड़े पसीना निकल रहा था, बोलता सर, मैंने कहा यहाँ सर ड्यूटी है, खुश था वो एसपीओ, खुश था क्योंकि ड्यूटी कर रहा था। उसको सर्टिफिकेट दिया गया उसके ऑफिसर द्वारा।